फैक्ट नंबर वन, फ्रेंड्स चीनी का यूज़ तो हम सभी करते हैं, पर क्या आपको पता है कि चीनी इतनी ज़्यादा वाइट क्यों होती है? चीनी को हम चाय में या किसी मिठाई में हर चीज़ में यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, चीनी को बनाने के लिए एक केमिकल नहीं बल्कि कई सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, और इसी वजह से क्या आपको पता है चीनी को वाइट पॉइजन भी कहा जाता है। जी हाँ, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। ये आपको ऊपर से जो वाइट दिखती है पर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसको इसका वाइट कलर जो है इसके अंदर मौजूद एक केमिकल्स से मिलता है जो कि जानलेवा होता है। जी हाँ, इसको इसका ये वाइट कलर सल्फर डाइऑक्साइड से मिलता है यानी कि SO2, और ये जो जानलेवा केमिकल होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये जो है मतलब हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए आपने सुना होगा कि हमें चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी का यूज़ कम से कम करना चाहिए। और फ्रेंड्स आपको भी ऐसे करना चाहिए, आपको चाय में किसी भी चीज़ में चीनी का यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर आपको मीठा खाने का कुछ ज़्यादा मन ही होता है तो आपको शहद खा लेना चाहिए, ऐसे शहद से आपका मीठा खाने का मन भी भर जाएगा और आपको चीनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप मानिए, अगर आप चीनी का यूज़ आपने थोड़े थोड़े टाइम में करना छोड़ दिया तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखेगा। आपको महसूस होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और आपके चेहरे पर और चीज़ों पर भी ग्लो आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।